टेक्सटाइल सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों से। सूरत में अदालत ने अहमदाबाद के आरोपी व्यापारी को 3 साल पहले एक कपड़ा व्यापारी से खरीदे गए उधार के सामान के भुगतान के मामले में दोषी करार दिया है और शिकायतकर्ता को 15 महीने की कैद और बकाया राशि की अदायगी का दिया आदेश। सूरत समेत दक्षिण गुजरात में कोरोना काल के दौरान रिटर्न नहीं फाइल करने वाले लगभग कई व्यापारियों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन बीते कुछ महीनों में रद्द किए गए हैं। अब उसे रजिस्ट्रेशन बहाल करने के निर्देश दिए गए, लेकिन अब वह रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं रिस्टोर। इंदौर के रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि सभी व्यापारी सड़क अवरुद्धता के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही के पक्षधर होकर राजबाड़ा को आदर्श व्यवसायिक क्षेत्र बनाने की पहल कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने संवाद नहीं करना उचित समझा। कोरोना से डिस्टर्ब हुआ सूरत शहर का कपड़ा बाजार। श्रावण माह अच्छा रहा, बाहरी व्यापारी खरीदारी के लिए आने से कामकाज बढ़ा है। टेक्सटाइल गुड्स का डिस्पैचिंग रोजाना 15,000 पार्सल तक पहुंच गया है। त्योहारों से सकारात्मक बना माहौल। सूरत में पिछले एक महीने में व्यापारियों की खरीदारी से वीवर्स की फायदा हुआ है। ग्रे की खरीद से लूम इकाइयों में जमा हुआ माल का निवारण हो गया। बहुत कम वीवर्स होंगे जिनके पास थोड़ा बहुत माल होगा। ग्रे की बिक्री से वीवर्स को मिली बड़ी राहत। फौजिलगढ़ शहर के चंदूरा मोहल्ले के रहने वाले कपड़ा व्यापारी ने उसके भाई को घर में बांधकर लूटपाट करने के आरोप 3 नकाबपोशों पर लगाए। कपड़ा व्यापारी के अनुसार उसने शिकायत पुलिस को दे दी, लेकिन पुलिस के पास अभी शिकायत नहीं पहुंची। सागर ग्रुप के चेयरमैन ने भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश की बड़ी संभावना है। प्रदेश को टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मेरठ में कपड़ा खरीदने आए किशोरी से दुकानदार ने अपने दो भाइयों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया है। किशोरी के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म में पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा किया दर्ज। दुकान में चोरी कर राजस्थान में मेरे भाई को बेचा था सामान। सूरत में पुलिस सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों कपड़े की दुकान में हुई चोरी का राज फांस कर दिया और 3 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है तथा शातिरों के कब्जे में 1,05,000 रुपए का सामान किया जब्त। सिद्धार्थनगर जेल अधीक्षक की पहल पर परिषदीय स्कूलों के छात्र छात्राओं की ड्रेस की सिलाई अब कैदी करेंगे। कपड़ा शिक्षा विभाग उपलब्ध कराएगा। सिलाई के बदले कैदियों को बाजार रेट से धन का भुगतान किया जाएगा। मिले धन से वह अपनी व स्वजन की जरूरतें कर सकेंगे पूरी। आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि सारी टेक्सटाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।